तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडी आलोक। मैं हूं आलोक और आज मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके जो कि काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो भाई लोकेशन की बात करें तो अभी ये देख सकते हो डंगरा टोली चौक, और डंगरा टोली चौक से आप अगर आते हो तो आपको ये रोड में आना है और आप देख सकते हो ये रहा सेकेंड वाइफ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ रांची का सबसे ज़्यादा फेमस चिकन पराठा यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे मुर्ग मसलम मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। भैया का चिकन कटिंग करने का स्किल्स काफी बढ़िया है, काफी एक्सपीरियंस है ये। आप देख सकते हो कितना जल्दी जल्दी काट ले रहे हैं। ये बोनलेस चिकन चिल्ली बनेगा इसके लिए काटा जा रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह से क्लीन किया जा रहा है, इसको अच्छी तरह से धोया जा रहा है, उसके बाद इसको बनाया जाएगा। ये चिकन पराठा बनेगा इसका। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्लीनिंग की भी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था है, आपको चारों तरफ क्लीन मिलेगा। आप देख सकते हो कि प्याज को तेल में डाला जा रहा है, इसको अच्छी तरह से फ्राई किया जाएगा। भाई आप देख सकते हो इसमें अभी नमक डाला जा रहा है, उसके बाद क्या डलता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइज आप देख सकते हो ये रहा हमारा बिरयानी का चिकन, इसको अच्छी तरह से तेल और मसालों को मिलाया जा रहा है। इसका कलर आप देख सकते हो काफ़ी शानदार दिख रहा है मुझे। तो गाइज आप देख सकते हो ये रहा हमारा बिरयानी का चिकन जो कि अच्छी तरह से फ्राई किया जा रहा है इसको। और क्वांटिटी की बात करूं तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ चिकन के पीसेस बनाए जाते हैं। गाइज आप देख सकते हो ये बिरयानी का चिकन कंप्लीट हो गया है, अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अब इसको निकाला जाएगा। तो गाइज देख सकते हो ये हमारा चिकन पराठा का चिकन रेडी हो रहा है। क्वालिटी देख सकते हो आप और कलर देख सकते हैं जो कि काफ़ी लाजवाब होने वाला है। तो गाइज फाइनली हमारा बिरयानी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो इसका कलर काफ़ी लाजवाब है, बहुत ज़्यादा भाप उड़ रहा है इसकी वजह से आपको थोड़ा सा क्वालिटी अच्छे से नहीं मिल पा रहा होगा, फॉग आ जा रहा है। क्वालिटी आप देख सकते हो कितना शानदार कितना लाजवाब होने वाला है। और आप ये देख सकते हो ये यहाँ पे स्विगी और जोमेटो का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो वो पार्सल के लिए बिरयानी को निकाला गया है। तो गाइस आप देख सकते हो ये हमारा लच्छा पराठा बन रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो लच्छा पराठा को पहले थोड़ा थोड़ा ऑयल में भिगोया जा रहा है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से रेड करके पकाया जाएगा। तो यार जो भी चिकन पराठा लवर हो ना वो एक बार सेकेंड वाइफ रेस्टोरेंट ज़रूर से ज़रूर विज़िट करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। तो गाइज आप देख सकते हो ये यहाँ का मसाला कुलचा है जिसमें कि बटर लगने जा रहा है, बटर का क्वांटिटी देख रहे हो आप। तो गाइज अब इसको बीच से कट कर दिया जाएगा। तो ये फाइनली हमारा रेडी हो चुका है। तो गाइज आप देख सकते हो ये है हमारा मुर्ग मसलम जो कि काफ़ी तगड़ा दिख रहा है, इसका पीसेस देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये है हमारा चिकन बिरयानी, इसका भी आप देख सकते हो कलर काफ़ी शानदार होने वाला है। और ये है हमारा चिकन पराठा
जो कि आप देख सकते हैं। इसका ग्रेवी भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चिकन पराठा का साइज का बात करूँ तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है। तो गाइज फाइनली हमारा बिरयानी हमें मिल चुका है और ये रहा हमारा मुर्ग मसल्लम। ये है हमारा बिरयानी। वाकई में यहाँ का बिरयानी मुझे काफ़ी तगड़ा लगा। अब ये ब्रह्म हमारा मुर्ग मसल्लम और ये होने वाला है मेरा फेवरेट पीस। ये सबका फेवरेट होगा, चिकन लेग पीस। तो वाकई में मुझे यहाँ का मुर्ग मसल्लम का जो टेस्ट है ना, एक अलग लेवल का लगा। जो आपको बहुत बड़े बड़े होटल या रेस्टोरेंट में आपको इस लेवल का मुर्ग मसल्लम खाने को नहीं मिलेगा, वो आज मैं आपको वो आपको मिलेगा सेकेंड वाइफ रेस्टोरेंट में, जो कि इस एरिया का सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा चलने वाला रेस्टोरेंट है। अब ये हमारा रहा चिकन पराठा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये रहा हमारा चिकन पराठा जो काफ़ी लाजवाब, आप देख सकते हैं ग्रेवी की बात करें तो काफ़ी गाढ़ा है इसका ग्रेवी। और ये हमने ऐसे लिया और ये खाया। चिकन पराठा भी मुझे काफ़ी बढ़िया तगड़ा लगा। इस होटल के सारे डिश बहुत ही बढ़िया हैं। तो जो भी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हो, नए व्यूअर हो, वो एक बार यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें। मुझे यहाँ का सारा आइटम काफ़ी बढ़िया लगा। तो यार जो भी मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास मेरी नोटिफिकेशन जाती रहेगी और आपको इसी तरह का फूड का वीडियो आपके पास मैं लाता रहूँगा। तो अब मैं इसे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।